हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे ग्लेज्ड इन की तरफ से दो बैक कवर आ चुके हैं रेडमी नोट 10 प्रो एंड प्रो मैक्स के लिए। तो गाइस इसी कवर का आज आप लोग को रिव्यू देने वाला हूँ एंड इस ग्लेज्ड इन की वेबसाइट पे आपको बहुत सारी प्रीमियम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में भी आज आप लोग को बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैंने इसको जो है अनरैप कर दिया है, इसको उसमें से निकाल दिया है। पहले सबसे मैंने इसको सैनिटाइज़ किया क्योंकि सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है गाइस, आप लोग जानते हो ये कोरोना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गया इस वजह से। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पास दो तरीके के कवर आ चुके हैं, इनकी पैकिंग काफ़ी प्रीमियम है यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो। और इनका एक ग्लास भी आता है H2S टेम्पर्ड ग्लास जो 2.5D रियल 2.5D कर्व ग्लास होता है। तो इनकी साइट में आप लोग को दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। सो फिलहाल मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक कवर ये मिला हुआ है, ये ब्लू कलर का है एंड यहाँ पे एक आपको रेड कलर देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहले इसको साइड रख देता हूँ। ओके सो आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी कवर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप काफ़ी ज़्यादा ये प्रोटेक्ट करेगा आपके फ़ोन को। एंड यहाँ पे अगर आपका फ़ोन गिर भी जाता है तो ये काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे इसको आप देख सकते हो यहाँ पे बम्प देखने को मिलता है, अगर आपका फ़ोन गिरता है तो इसको काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर देगा। तो अभी इसके अंदर प्लास्टिक लगी हुई है तो इसको मैं यहाँ से छुड़ा देता हूँ। तो यहाँ से हम इसको छुड़ाएंगे एंड आप देख सकते हो कि इस स्मोकी इफ़ेक्ट है यहाँ से। तो अगर आप फ़ोन को इसमें लगाओगे, सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ सॉरी, तो ये सड़ा सा कवर जो शाओमी देता है इसको सबसे पहले मैं किनारे रखता हूँ। ये काफ़ी इसकी क्वालिटी ख़राब होती है, आप देख सकते हो थोड़ा सा पीला भी यहाँ पे लग रहा होगा। तो अब इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। ये काफ़ी कलर में आते हैं, सिर्फ दो ही कलर नहीं और भी सारे कलर्स हैं, तो आप जाके वहाँ पे बाय कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सबकी दे दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके का इसका लुक आ रहा है यहाँ पे देखने में। तो अभी मैं आपको आउटडोर में भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके का इसका लुक देखने को मिलता है गाइस। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक देखने को मिल रहा है। सो रेड वाला भी हम लगा लेते हैं एक बार, उसके बाद हम देख लेते हैं। तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ से हम रेड वाला लगाते हैं। तो रेड वाला काफ़ी यहाँ पे अच्छा लग रहा है देखने में, सो इसको मैं लगा लेता हूँ। ओके सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको लगा लिया हूँ एंड आप देख सकते हो कि क्या लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो स्मोकी इफेक्ट है इसकी वजह से आपका फ़ोन का जो पीछे का बैकग्राउंड है, पीछे का जो बैक पैनल है वो उसका जो यहाँ पे खूबसूरती है वो छुपती नहीं है एंड देखने में यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत आपको लग रहा है यहाँ पे। एंड आपके फ़ोन को यहाँ पे ये प्रोटेक्ट भी करेगा, इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी भारी फील नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कवर हल्का है एंड यहाँ पे काफ़ी ड्यूरेबल है। तो आपका फ़ोन कभी भी गिरेगा तो यहाँ पे टूटेगा नहीं। तो आउटडोर में भी आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो लुक एंड फील यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत लग रहा है फ़ोन। यहाँ से आगे से आप देख सकते हो इस तरीके से एंड यहाँ पे पीछे से भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे देखने में लग रहा है। एंड कटआउट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हो कि सारे कटआउट्स यहाँ पे एकदम एक्यूरेट दिए हैं, कोई भी यहाँ पे बिल्कुल भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से इसके कटआउट्स दिए हुए हैं, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड साइड से अगर बटन की बात करें फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड यहाँ पे अगर वॉल्यूम के बटन दबाने को करूँ तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दब रहा है एंड यहाँ पे इसका जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है बटन दबाने का। मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पर, तो आप सुने होंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। सो गाइज़ काफ़ी प्रीमियम ये कवर है तो आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो गाइज़, मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड सिर्फ ये दो कलर ही नहीं आते हैं आपको, ये एक ब्लू कलर देखने को मिलता है एंड यहाँ पे एक रेड कलर अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड ग्रीन और ब्लैक ये भी कलर आपको देखने को मिलते हैं और भी सारे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। एंड गाइज़ इनके वेबसाइट पर आपको 2.5D कर्व रियल टेम्पर्ड ग्लास भी देखने को मिल जाता है एंड भी और सारे जो प्रीमियम आपके फ़ोन है उसका भी टेम्पर्ड ग्लास आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। एंड यहाँ से आप जो है एक नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास भी ले सकते हो, उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, तो यहाँ से आप जाके बाय कर सकते हो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइज। ओके बाय बाय।